हम अक्सर सोते वक्त ख्वाब देखा करते हैं, वो एक अलग ही जिंदगी होती है। और जब हम उस ख्वाब से जागते हैं तो सिर्फ दो तरह के एहसासात होते हैं, या तो हम जागने के बाद गमगीन होते हैं या बड़े खुश होते हैं। जब कभी हम कोई अच्छा ख्वाब देख रहे होते हैं और आंख खुल जाए तो थोड़ा अफसोस होता है, और अगर कभी हमारे ख्वाब में कुछ ऐसा हुआ होता है जो हमारे लिए तकलीफ देह होता है तो जागने के बाद हमारी आंखों से आंसू जारी होते हैं। लेकिन एक खुशनुमा एहसास भी होता है कि शुक्र है ये ख्वाब था, असल जिंदगी में सब खैरियत है। लेकिन कभी कभी असल जिंदगी में जब हमारे साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है तो हमें वो भी एक ख्वाब की तरह लगती है। हम उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर यकीन आ जाता है कि ये वाकई हो चुका है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भाइयों, आप जानते हैं, एक बार और हम नींद से जागेंगे, वो मौत की नींद होगी और एक असल जिंदगी हमारे सामने होगी जो आखिरत की जिंदगी होगी। और तब हमें पता चलेगा कि ये जिंदगी जिसे अभी हम जी रहे हैं ये तो बस एक ख्वाब था, असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है। अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में कितने वक्त रहे, हम कहेंगे कि बस एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। कुरान में है ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें यहाँ लगता है ख्वाब से जागने के बाद, और वहां भी दो ही तरह के एहसासात होंगे। जिनकी जिंदगी यहाँ अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजरी होगी उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा, लेकिन जिनकी जिंदगी यहाँ अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी होगी, सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी और इग्नोरेंस में गुजरी होगी, उनकी कैफियत का क्या आलम होगा उस हालत में जबकि वो ये बात जानते होंगे कि अब आगे जो कुछ है वो हमेशा हमेशा के लिए है। वो कैफियत ना मैं यहाँ लफ्जों में समझा सकता हूँ और ना आप उसके बारे में तसव्वुर कर सकते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हम इस दुनिया को अलविदा कहकर मौत की नींद में इस हालत में जाएं कि हम मुकम्मल ईमान वाले और अल्लाह के फरमाबरदार हों।